Dear students, welcome to the new lecture of Monoalphabetic Crypto System. In the last lecture, we have done the three types of Monoalphabetic Crypto System. Now we are moving towards the remaining types of Monoalphabetic Crypto System. तो हमारे पास फोर्थ जो टाइप है मोनो अल्फाबेटिक की वो हमारे पास है पिक पेन या फिर इसको मैसोनिक साइफर भी कहते हैं. है क्या इसको देखते हैं. द पिक पेन साइफर इज अ सब्स्टिट्यूशन साइफर दैट वाज यूज्ड बाय द फ्री मैसन्स इन द 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी में फ्री मैसन्स जो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ एनी ऑफ कॉस्ट जो प्रोवाइड करते थे उन लोगों ने एक साइफर जनरेट किया था 18th सेंचुरी में जिसे हम कहते हैं पिक पेन मैसोनिक. ये मैसोनिक जो है वो इन फ्री मैसन्स की वजह से इनको नाम दिया गया. इट इज रिसर्फेस ड्यूरिंग द सिविल वॉर व्हेन अ पोस्टल वर्कर फाउंड द सिंबल्स ऑन एन एनवेलप एड्रेस टू अ सस्पेक्टेड कॉन्फिडेंट स्पाई. ठीक है, तो ये सिविल वॉर में ज्यादातर यूज हुआ था. जो पोस्ट बम भेजते थे जो एनवेलप में लिखते थे तो उसमें जो साइफर होता था उस फॉर्म में एड्रेसेस जो थे हम वो पोस्ट करके लिखते. दे सब्स्टिट्यूटेड ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट विद अ पिक्चर. वो बनाते किस तरह थे कि उन्होंने आपने क्या करना होगा हमें तीन चल के चार ये हमें क्या बनाने पड़ेंगे डायग्राफ या एक टेबल बनाने पड़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है हम इसको क्रॉस में करेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई. फिर सही है, फिर सेम क्रॉस है जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर. इस पर डॉट आ जाएंगे सेंटर में. अब ये साइड में लगे हुए लेकिन ये हम लिखेंगे सेंटर में. ठीक है, फिर एक क्रॉस होगा जिसमें एस टी यू वी इसकी पोजीशन यही रखिएगा. एस यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, वी यू और वी आएगा. फिर इसी तरह डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ये डॉट जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा. ठीक है, किसी मैसेज को इनकोड डिकोड करने के लिए चार टेबल आपके पास होने चाहिए. इसी की मदद से हम इनके सिंबल्स बनाएंगे. ये फर्स्ट हमारे पास साइफर है जो सिंबल्स पे जाएगा. इट इज फेयरली सिंपल साइफर टू यूज वेयर ईच लेटर इज रिप्लेस बाय द लाइंस एंड डॉट गिवन बाय द पोजीशन इट सेट ऑन द टेबल. ठीक है, कैसे करेंगे. जैसे हमारे पास है मिस्टर कैली, ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, उसको हमने क्या करना है इनकोड करना है. तो एम की पोजीशन देखेंगे, एम की पोजीशन यहाँ पर है तो हम एक ये पूरा बॉक्स बनाएंगे. सही है, एज इट इज ये लाइन आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी. ठीक है, और सेंटर में डॉट आ जाएगा. देखें ये एम है. आर क्या है, आर आपके पास ये वाली लाइन है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है और सेंटर में डॉट आ जाएगा यार. ठीक है, मिस्टर का ये जो डॉट है ये एज इट इज रहेगा. फिर कैली, कैली का क्या है हमारे पास ये तीन लाइंस हैं और सेंटर में क्या है डॉट है. ठीक है, इसी तरह ई ई पूरा स्क्वायर है, ये देखें स्क्वायर है पूरा. एल क्या है, एल हमारे पास ये वाली दो लाइंस और बीच में सेंटर है तो एल दो दफा आ जाएगा. इसी तरह ई का वो वो बॉक्स बन जाएगा स्क्वायर. और वाई हमारे पास यहाँ पर है तो वाई के ये आपके पास बनेगा दो लाइंस और बीच में सेंटर आ जाएगा. सी ये सिंपल सा क्या है इसका, आपने इस टेबल से अपने प्लेन टेक्स्ट को क्या करना है सिंबल्स में कन्वर्ट करना है. इसी तरह अगर डिक्रिप्शन करना है तो ये सिंबल्स आपके पास गिवन होंगे. इन आपने इस टेबल में देखना है कि कौन सा सिंबल किस लेटर से बिलोंग कर रहा है, आपने वो उसको क्या करना है प्लेन टेक्स्ट करेंगे. सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जिस तरह आप इसको इनकोड करेंगे उसी तरह आप इसको डिकोड भी कर देंगे. ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई इतने कोई चीज नहीं है बताने वाली. नंबर फाइव क्या है, पॉलिश बॉय स्क्वायर या ग्रीक स्क्वायर साइफर. ठीक है, हमारे पास फिफ्थ टाइप है पॉलिश बॉय स्क्वायर या ग्रीक स्क्वायर साइफर. इसको देखते हैं. दिस साइफर इज द अर्लीस्ट मल्टीलेयर साइफर नोन टू मैन. पॉलीबॉय अ हिस्टोरियन एंड अ क्रिप्टोग्राफर हु लिव इन एंशियंट ग्रीस नियरली 2200 इयर्स अगो इन्वेंटेड द डिवाइस कॉल्ड द पॉलीबॉय चेकबोर्ड. एक्चुअली ये भी बहुत पुराना एंशियंट ग्रीक का है और ये तकरीबन 2200 इयर्स अगो पहले इन्वेंट किया था और ये चेकर बोर्ड था जिसमें अल्फाबेट्स को फर्स्ट टाइम नंबर्स में कन्वर्ट किया था. तो हमारे मोबाइल्स में जो हमारे बटन वाले मोबाइल्स होते थे उसमें जो हम मैसेज टाइप करते थे वो इसी की बेस पे करते थे. ठीक है, तो ईच अभी हम एक आपको मैं दूंगा फोनिक साइफर, वो भी यही है हमारे पास. ठीक है, ईच लेटर यूजेज अ टू नंबर इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन. तो आपको यहाँ एक पॉलिश बाय स्क्वायर टेबल बनाना पड़ेगा, 5x5 का टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, 5x5 का टेबल जब आप बनाएंगे लेकिन हमारे पास जो लेटर है वो कितने 26 है. तो 26 है तो इसका मतलब हमें एक जो अल्फाबेट है उसको एक ही पोजीशन पे रखना पड़ेगा, यानी दो अल्फाबेट्स को एक पोजीशन पे. तो आई और जे को हम क्या करते हैं सेम ग्रिड में रखते हैं. तो आप भी आई और जे को सेम ग्रिड में रखें. और बहुत सी बुकों में क्यू और आर को रखा है तो हम क्या रखेंगे आई और जे को सेम ग्रिड में रख देंगे.
ठीक है, तो जब हम आई और जे को सेम ग्रेड में रखेंगे तो ये 25 बन जाएंगे खुद ब खुद, और सीक्वेंस ये बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई जे की पोजीशन सेम रहेगी, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ एक कॉलम में नंबर होंगे, रॉ में नंबर होंगे, तो पहले कॉलम को पढ़ना है और फिर रॉ को नंबर पढ़ना। जैसे अब मैं लेट अस सपोज बी का नंबर पूछता हूँ आपसे, तो आप लिखेंगे 1 और ये 2, 12, यानी बी का नंबर होगा 12, सही, ए का नंबर होगा 11, इन नंबर बनाने से। एन का नंबर क्या होगा, एन का नंबर होगा 33, यू का नंबर क्या होगा, यू का नंबर होगा 45, यानी ये कॉलम पहले पढ़ने और रॉ बाद में पढ़नी है आपने, ठीक है। फर्स्ट साइफर है जो अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। टू इन सिफर मैसेज, यू लोकेट द लेटर यू वांट इन द चार्ट, ठीक है। लेटर्स को हम इसमें देखेंगे, देन लिस्ट द रॉ एंड देन कॉलम दैट द लेटर इज इन इट, फॉर एग्जांपल द लेटर आर वुड बी 42, आर का नंबर क्या होगा 42 होगा, अभी बताया, सही है। के का नंबर क्या होगा, के का नंबर होगा 25, ठीक है। द बिगेस्ट एट दिस एडवांटेज इज द फैक्ट दैट योर मैसेज विल बी ट्वाइस एज लॉन्गर, आपका मैसेज क्या हो जाएगा, जो एक मैसेज की लेंथ थी वो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो डबल आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टेबल को आपने खुद बनाना है, हर साइफर का टेबल आपने खुद बनाना है, कुछ गिवन नहीं होगा। कैसे करेंगे, इन सिफरिंग करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है तो एम का नंबर 32 है, ए का नंबर 11 है, सही, इस तरह नंबर लिखेंगे विदाउट स्पेसेस। टी का नंबर हमारे पास 44 है, यहाँ भी देखते रहे, टी का नंबर क्या 44 है, सही, एच का नंबर 23 है, ई का नंबर क्या है 15 है, तो इन सब अल्फाबेट्स के नंबर आपने लिख दिए, ये लिखेगा आपको, ठीक है, इनको आपने विदाउट स्पेस लिख देना है, तो सिंपल टेबल से देख के। आई आई का नंबर क्या है, ये रहा 24, अगर यहाँ कोई जे होता जे का नंबर भी 24 होता, ठीक है, दोनों का नंबर सेम होगा। अगर ये डिसिफर कर रहे हैं तो डिसिफर में अब कोई नंबर होगा, लेट सपोज 24 है, तो अपने प्लेन टेक्स्ट में देखेंगे कि मुझे प्लेन टेक्स्ट में जे रखना है आई रखना है, जिससे रीडेबल फॉर्म बननी होगी। अगर जे रख के रीडेबल फॉर्म बननी होगी तो आप जे ले लिएगा, और अगर आई रख के रीडेबल फॉर्म बननी होगी तो आप आई ले लेंगे, चॉइस होगी आपके पास, ठीक है। तो इसको अगर हम डिसिफरिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज ध्यान में रखनी है, वो क्या, फर्स्ट यू शुड काउंट द नंबर टू बी डिकोड, आपने इन नंबर्स को काउंट करना है जो आपके पास साइफर टेक्स्ट गिवन होंगे, सही है। इट शुड बी इवन होंगे, अगर इवन होंगे तभी ये डिवाइड बाय टू होंगे, यानी ये पेयरिंग बनानी होगी आपने, अगर ये इवन नहीं है ऑड है तो फिर ये साइफर आप नहीं लगेंगे, कोई दूसरा साइफर लगाएंगे, ट्राइफिड लगाएंगे, वो आगे जाके हम करेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि इवन होने चाहिए, देन मेक अ ग्रुप ऑफ टू डायग्राफ जिसे कहते हैं, एंड रिकवर द ओरिजिनल मैसेज विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब जैसे मेरे पास ये नंबर गिवन था, ठीक है, तो अब ये काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 है तो एवन है इसका मतलब, ठीक है। तो हम इसमें क्या बनाएंगे, पहले डायग्राफ बनाएंगे, यानी दो दो को हम इसको पेयर कर देंगे, तो 11 को अलग किया, 35 को अलग किया, 35 को 31, 24, 15 और 14 अलग कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, टेबल में देख लिया हमने, टेबल में क्या देखा, टेबल में 11 किसका नंबर है, ए, सही है। फिर हमारा 35 दो दफा आया, तो 35 किसका नंबर है, पी का, तो दो दफा पी आएगा। इस तरह आप क्या करेंगे, अपने अपने लेटर्स को रिकवर कर लेंगे, तो अप्लाइड इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका इसमें डिसिफर करने के लिए आपने बस याद रखना है कि ये इवन होने चाहिए, और इसको डायग्राफ बनानी है, टू से टू में डिवाइड करना है। बहुत बेसिक साइफर है, मोनो अल्फाबेटिक, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत बेसिक है हमारे पास, जिस तरह से आप इनकोड करेंगे उसी तरह से आपने डिकोड करना है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन साइफर है, सही है। ये पांच टाइप्स तो मोनोअल्फाबेटिक होंगे, मजीद उसकी तीन टाइप्स हैं जो मैं आपको भी एक हैंड आउट पीडीएफ दूंगा, उसमें मौजूद है, उसको आप रीड करें बाय योरसेल्फ, और उसमें कुछ प्रॉब्लम तो पूछ लेकर, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। छठा जो मोनोअल्फाबेटिक है वो अफाइन साइफर, सातवां है फोन करेक्टर, सही बात कर रहा था, और मोर्स साइफर, सही है, मोर्स कोड। मोर्स कोड भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपके पास पिक पेन है, इसमें आपको शेप्स याद रखनी है, ठीक है। ए की शेप क्या है, बी की शेप क्या है, उसमें यहाँ तो हमने पिक पैन में तो हमने क्या कह रहा था, इस ग्रिड से निकाल लिया था, लेकिन जो ये मोर्स कोड है इसमें आपको याद करना होगा, यानी ए की कोडिंग क्या है, ए की शेप क्या है, बी की शेप क्या है, तो ये तीन आपके होमवर्क है, इनको आप कर लें। तो मोनो अल्फाबेटिक के आपके टोटल कितने हो गए, 8 साइफर हो गए मोनो अल्फाबेटिक के, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो क्रिप्टो सिस्टम है मोनो अल्फाबेटिक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई पोली अल्फाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम स्टार्ट करेंगे या पोलीग्राफिक करेंगे, ठीक है, इनमें से कोई हम एक स्टार्ट कर देंगे। डेक्स, तो हमारा मोनोअल्फाबेटिक क्रिप्टो सिस्टम भी यहाँ खत्म हो गया। ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जिस तरह आप इनकोड करते हैं उसी तरह डिकोड करते हैं। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का पहला क्रिप्टो सिस्टम हमारे यहाँ खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्रिप्टो सिस्टम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।